बच्चों वेलकम बैक टू अनदर क्लासेस। तो बच्चों आज जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर है उसकी फाइनल क्लास है। अपन ने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। मैं आपको इसमें पूरे चैप्टर की एक समरी करके दूंगा और समरी करने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको करने हैं। स्पेशली जो RBSC के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, उनके चैप्टर खत्म होने के बाद उनको न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो वो न्यूमेरिकल आपको जरूर करने हैं, जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि वहां से एज इट इज वो न्यूमेरिकल उठा के आपको एग्जाम में मिल जाता है। तो वहां से तो वो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन भी वहीं आपको दे रखे हैं, तो आपको उनको सॉल्व करना है। और जो CBSE के बच्चे और बाकी भी जो देख रहे हैं हमको, उनके लिए मैं कह दूं कि आपकी CBSE और RBSE दोनों के लिए जो लास्ट में जो आपके एक्सरसाइज दे रखी है, जो किताब जो चैप्टर खत्म होने के बाद में जो एक्सरसाइज दे रखी है, वहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, उनको मैं यहां पर सॉल्व आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले देखो, पहले मैं आपको समरी कर देता हूं छोटी सी, और यह आपको काफी फायदा देगी। तो छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन है, वहां से आपको इसमें से बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो पहले हम क्रिस्टल की बात कर लेते हैं। क्रिस्टल कौन कौन से थे हमारे, एक तो सरल घनीय जालक था, सरल घनीय। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल पहचानोगे SCC, अब याद हो जाना चाहिए ये चीज। BCC को क्या बोलते हैं, काय केंद्रित। अब बार बार आप काय केंद्रित लिखने नहीं बैठोगे, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में भी न्यूमेरिकल में वो काय केंद्रित लिख के नहीं देगा, वो सिंपल लिखेगा BCC। तो आपको पहचानना चाहिए BCC का मतलब क्या है, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित। ठीक है, इसके बाद FCC या CCP, इसका मतलब क्या है, फलक केंद्रित। ठीक है, फलक केंद्रित या घनीय निबिड संकुलन। ठीक है, तो इसमें परमाणुओं की संख्या बता देता हूं पहले। पहले देख लो परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या आपको पता है इसमें कितनी होती है, एक, इसमें कितनी होती है, दो, इसमें कितनी होती है, चार। इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं संकुलन दक्षता, तो संकुलन दक्षता कितनी होती है भाई इसमें, 52.4%, इसमें कितनी होती है, 68%, और इसमें कितनी होती है, 74%। लिखो इन दोनों बातों को, फिर मैं आपको लिखाता हूं। चलो नीचे बना दूं क्या, चलो यही बना दूंगा, पहले लिख लो इनको। अब देखो कोर की लंबाई, देखो परमाणु की संख्या आपने लिख ली, कोर की लंबाई और त्रिज्या, ये दोनों चीज आपको और लिखनी है, जिससे आपके क्या है, इस क्रिस्टल का पूरा आपको एक क्या मिल जाएगा, संक्षेपण रूप मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है, संकुलन दक्षता तो लिख ली, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, यहां पर एज बराबर क्या है 2R के, और यहां पर एज बराबर क्या है 4/√3R। ठीक है, और यहां पर एज बराबर क्या है 2√2R। ठीक है, ये कोर की लंबाई हो गई, एज हो गई, और त्रिज्या R आप यहां से निकाल लोगे, त्रिज्या निकाल लोगे, आपको बोले परमाणु की त्रिज्या बताओ, तो R यहां से 1/2 नीचे हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो गई 1/2, यहां से R को रखूं तो बताओ त्रिज्या क्या होगी, √3a/4, यहां से त्रिज्या R बराबर क्या होगी, R बराबर क्या होगी, इसको नीचे भेज दो, a/√2, तो यहां से आपको ये त्रिज्या भी मिल गई। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिखो, फिर आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं। देखो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इस वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, मैं इनके आपको आंसर बोलूंगा, आप वीडियो को धीरा करके भी उन आंसर को अपनी कॉपी में लिख सकते हो, आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठोस कठोर क्यों होते हैं और इनके आयतन निश्चित क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास पढ़ाते टाइम में भी बता चुका था, दोबारा सुनो, ठोस कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो अवयवी कण है उनमें जो आकर्षण बल पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, और जब आकर्षण प्रबल होगा तो अवयवी कणों के बीच की दूरी कैसी होगी, कम होगी। तो आप इसमें आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि ठोसों में अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल तथा अंतरआणविक दूरी बल, अंतरआणविक दूरियां कैसी पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं, अतः इनके आयतन कैसे होते हैं, निश्चित एवं ये कठोर होते हैं। दूसरी बात आपको क्या बतानी है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में तो विद्युत के चालक हैं, परंतु ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक हैं, क्यों। तो देखो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक इसलिए हैं ये, क्योंकि जब ठोस अवस्था में होते हैं तो इनके जो अवयवी कण हैं, जो प्रबल विद्युत, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, जैसे NaCl है, तो NaCl के बीच में जो बॉन्ड है ये क्या है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल,
आकर्षण बल किस किस के बीच में, Na प्लस के बीच में और Cl माइनस के बीच में। लेकिन जैसे ही हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी में डालते ही Na प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है, और ये आयन मुक्त होने के कारण क्या करते हैं, स्वतंत्र गति करते हैं, और स्वतंत्र गति के कारण, इन आयनों की स्वतंत्र गति के कारण विद्युत की चालकता उत्पन्न होती है। तो आप क्या लिखोगे, कुछ आंसर में क्या लिखोगे, चूंकि ठोस अवस्था में आयनिक क्रिस्टलों के मध्य में, आयनिक क्रिस्टलों के अवयवी कणों के मध्य में प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, अतः ये गतिशील नहीं होते, परंतु इनकी गलित अवस्था या जलीय विलयन में इनको घोलने पर इनके आयन मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त होने के कारण ये मुक्त गति प्रदर्शित करते हैं जिस कारण विद्युत चालकता उत्पन्न होती है। ठीक है, विद्युत चालकता संभव होती है। आगे देखो, आगे क्या लिखा है कि कांच क्वार्टस जैसे ठोसों से किस प्रकार भिन्न है, जो कांच है वो क्वार्टस जैसे ठोसों से किस प्रकार भिन्न है, और साथ में बोल रहा है कि क्या क्वार्टस को कांच में परिवर्तित किया जा सकता है। तो समझना इस बात को, ठीक है। देखो कांच कैसा है, कांच है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। कांच कैसा है आपका, ये तो है भाई आपका अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। और जबकि क्वार्टस की मैं बात करूं तो क्वार्टस कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। दोनों में ही सिलिका होती है, दोनों में ही क्या होता है, SiO2 होता है, लेकिन एक में तो कैसा होती है, अनियमित व्यवस्था। कांच में तो इसकी कैसी होती है, अनियमित व्यवस्था, और यहां पर इसकी क्वार्टस में इसकी व्यवस्था कैसी होती है, निश्चित। ये चतुष्फलक का निर्माण करते हैं और चतुष्फलक में कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ठीक है, बड़ी बात है, अभी आपके लेवल पर नहीं है, आप सिर्फ इतना ही याद रखो। ठीक है, देखो अब होता क्या है कि जब आपने एक गेम सुना है, आपने बर्फ पानी जैसा गेम खेलते थे छोटे छोटे बच्चे, तो किसी को बर्फ बना जाते थे तो वो जैसा खड़ा है वैसा ही खड़ा रहता था, तो वही कंडीशन आपको सेम टू सेम यहां अप्लाई करनी है। क्या करना है कि जब आप कांच को, क्वार्टर्स को गर्म करते हो, गर्म करके जब आप उसको पिघला देते हो, तो उसको पिघलाकर तुरंत ठंडे, तुरंत जब उसको ठंडा किया जाता है बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर पर, जब आप उसको तुरंत ठंडा करते हो, तो अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं हो पाती। वो जहां जहां वो व्यवस्थित होते हैं वहीं के वहीं वो जम जाते हैं। जैसे जहां हम किसी को फ्रीज करते हैं ना, ये फ्रीज, तो वो जैसा खड़ा है वैसा फ्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से अवयवी कणों की क्या है, निश्चित व्यवस्था नहीं बन पाती। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, क्या कांच को, क्या क्वार्टर्स को कांच में परिवर्तित करना संभव है, आप आंसर लिखोगे हाँ। कैसे संभव है, आप लिखोगे कि जब क्वार्टस को गर्म करके पिघला दें और पिघलाकर उसको तुरंत निम्न ताप पर क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, तो उसके जो अवयवी कण है वो जहां है अनियमित व्यवस्था में कैसे हो जाएंगे, जम जाएंगे, और वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कांच में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस में बदलना संभव है, जब आप उसको क्या कर दो, तुरंत उसको पिघलाकर तुरंत क्या कर दो, उसको ठंडा। तो परमाणु की जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, अनियमित, और वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोसों में परिवर्तित हो जाएगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन भी बता चुका हूं, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, क्योंकि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और द्रवों के समान इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि ये जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, बहुत न्यूनतम होती है, बहुत मंद गति से प्रवाह होता है। तभी हमने देखा है कि जो कांच की इमारतें हैं वो नीचे से थोड़ी कैसी होती है, मोटी, ऊपर से थोड़ी कैसी होती है, पतली, क्योंकि जो कांच है वो द्रवों के समान बह बहकर कहां आता है, नीचे आता है। तो जो नीचे की दीवार है वो कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे जो एक एक नंबर में आपको पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाता हूं, फटाफट इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। आपके लिए मैंने दो बढ़िया क्वेश्चन लिख रखे हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, सोना जिसकी परमाणु त्रिज्या आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.11144 nm। फलक केंद्रित है, फलक केंद्रित का मतलब FCC है, ठीक है। FCC संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इसकी कोष्टिका की कोर की लंबाई, कोर की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो उस चीज को अंडरलाइन कर लो जिसको पूछ रहा है। तो यहां ये पूछ रहा है कोर की लंबाई, तो किस में पूछ रहा है, फलक केंद्रित में पूछ रहा है। अब आपको डायरेक्ट सूत्र याद होना चाहिए, तो FCC में बताओ कोर की लंबाई, अभी सूत्र बताया कोर की लंबाई, कोर क्या होती है, एज। तो एज की लंबाई क्या बताई थी, 2√2r। R की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, कितनी, 2 × √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, ये होती है √2 की वैल्यू। तो यहां रखो 1.414
4 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.144 नैनोमीटर। तो जब जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.407 नैनोमीटर, क्योंकि यूनिट नैनोमीटर में दे रखी है ना, नैनोमीटर में। और अगर इसको आपको मीटर में करना है तो 10^-9 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि NaCl को, NaCl क्रिस्टल को SrCl2 की अशुद्धि, और अशुद्धियां कितनी 10^-3 मोल प्रतिशत अशुद्धियों से क्या कर दिया जाए, डोपित कर दिया जाए। यानी SrCl, NaCl का क्रिस्टल है, उसमें SrCl2 की कितनी अशुद्धियां मिलाई हैं आपने, 10^-3 मोल प्रतिशत अशुद्धियां आपने मिलाई हैं, तो धनायन रिक्तिकों का सांद्रण क्या होगा। कुल मिला के ये पूछ रहा है धनायन रिक्तियों की संख्या क्या होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 नंबर में एग्जाम में आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमको कुछ संरचना पता है किसकी, NaCl की, कुछ इस तरीके की होती है NaCl का क्रिस्टल। चलो थोड़ा सा हम इसको बना देते हैं, ये रहा NaCl का क्रिस्टल, यही होता है भाई, हर जगह क्या होता है Na+Cl- Na+Cl- Na+। अच्छा यहाँ पे चेंज करो, Cl- Na+Cl- Na+ और यहाँ Na+Cl- Na+Cl-, यही होती है संरचना। अब इसमें क्या मिला रहे हो आप, SrCl2 की अशुद्धि, तो आपको पता है एक SR क्या होता है 2+, तो 2+ को घुसाने के लिए, एंटर कराने के लिए 2+ वाले बाहर निकालने पड़ेंगे, ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो 2 Na+ हमने क्या कर दिए बाहर, 2 Na+ भाई हमने यहां से क्या निकाल दिए बाहर निकाल दिए, तो एक जगह तो फिट जाके कौन हो गया SR2+, एक आपकी बच गई क्या रिक्तिका, जो इस धनायन रिक्तिका की संख्या ही आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। तो धनायन रिक्तिकाओं की, इन धनायन रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, जितने SR2+ आए हैं, क्योंकि एक SR2+ आता है तो धनायन रिक्तिका कितनी बचती है एक, देख लो एक SR2+ आया है तो धनायन रिक्तिका भी कितनी बची है एक, 2 SR+2 आएंगे तो रिक्तिका भी कितनी बचेंगी 2, 3 SR+2 आएंगे तो रिक्तिका भी कितनी बचेगी 3। यानी जितनी धनायन रिक्तिका, जितने SR2+ की संख्या होगी उतनी ही धनायन रिक्तिकाओं की संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं पहले तो लिख लो, पहले क्या लिखोगे, एक SR2+ आयन एक धनायन रिक्तिका निर्मित करता है, अतः क्या लिखोगे, धनायन रिक्तिकों का सांद्रण, सांद्रण का मतलब क्या है, संख्या ही पूछ रहा है इसकी, कंसंट्रेशन पूछ रहा है, कंसंट्रेशन का मतलब यहां पर संख्या की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो देखो क्योंकि C बराबर क्या होता है N/V, तो यहां पर N बराबर क्या है, नंबर्स की बात कर रहा है, मोल्स की बात कर रहा है, क्योंकि आपको जो अशुद्धियां दे रखी है वो भी किसमें दे रखी है, मोल्स में ही दे रखी है, ठीक है। तो देखो समझना, तो धनायन रिक्तिकाओं की संख्या क्या होगी, धनायन रिक्तिकाओं की संख्या बराबर SR2+ आयन की संख्या। और SR2+ आयन की संख्या आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, कितनी दे रखी है कि भाई आपने कितनी अशुद्धि मिलाई, 10^-3 मोल प्रतिशत अशुद्धियां मिलाई, तो इसको ही रख दो बराबर में। बराबर में कैसे रखोगे, पहले तो 10^-3 मोल, तो एक मोल बराबर आपको पता है, एक मोल बराबर क्या होता है भाई बताओ मुझे, 6.022 × 10^23, तो एक मोल बराबर आप संख्या रख दो, संख्या रख दी हमने 6.022 × 10^23 गुणा आगे क्या रखोगे, 10^-3, क्योंकि इसने दे रखा है कि सांद्रता कितनी है 10^-3 मोल, मोल की जगह हमने मोल के एटम रख दिए। फिर आगे क्या बोल रहा है, प्रतिशत है भाई ये, 10^-3 क्या है प्रतिशत, तो प्रतिशत में मुझे बताओ, प्रतिशत में आप क्या करते हो, बटे में 100 लगा देते हो, तो बटे में क्या लगा दो, यहां 100 लगा दो भाई, 20%, तो 20% को कैसे लिखते हो, 20/100, 40%, तो 40 को लिखते 40/100, 50% उसको कैसे लिखोगे, 50/100, तो 10^-3 मोल प्रतिशत, तो उसको क्या लिखोगे, 10^-3/100, तो बटे में 100 कर दिया। अब 100 का मतलब क्या होता है, 100 को अगर मैं ऊपर भेजूं तो क्या लिखोगे, 6.022 × 10^23 × 10^-3 × 10^-2, भाई दो जीरो है ऊपर जाएंगे तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की,
तीन और दो कितनी हुई, माइनस की पांच, माइनस की पांच को किसमें से घटा दो, 23 में से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6.022 × 10^18। तो धनायन रिक्तिकाओं का सांद्रण या धनायन रिक्तिकाओं की संख्या कितनी निकल के आएगी, 6.022 × 10^18। तो यहां हमने कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल कर लिए हैं, ठीक है, और बाकी के सारे न्यूमेरिकल आपको नोट्स में मिल जाएंगे। आई थिंक सफिशियंट है इतना आपने लिए, और पढ़ते रहिए इसी तरह। अब हम अगला जो चैप्टर आने वाला है हमारा सॉल्यूशन, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो।